ओम शांति। बाबा स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं इस संसार को बदलने के लिए, और उसने हमें अपना साथी बना लिया है। कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान के दिव्य कार्य में हम भी उसके साथी हैं, सहयोगी हैं। कोई तन से सहयोग करता है, कोई मन से, कोई धन से, कोई अपनी योग्यताओं के द्वारा, कोई अपना समय देकर। तो हमें बाबा के कार्यों में बहुत सहयोग करते चलना है। जितना हम सहयोग करते हैं उतनी प्राप्तियां ज्यादा होंगी। कोई ये बिल्कुल न सोचे यहाँ हम आराम से रहेंगे तो सतयुग में भी आराम से रहेंगे, नहीं। जो यहाँ सेवाओं में बहुत मेहनत करेंगे वो वहाँ राजगद्दी पर बैठेंगे, और जो यहाँ आराम पसंद होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो उनको वहाँ सब काम करने पड़ेंगे। भले ही वहाँ कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कार्य तो वहाँ सभी होते ही हैं, अर्थात पद छोटा हो जाएगा। तो हम बाबा के इस महान कार्य में बहुत अच्छी तरह सच्चे मन से सहयोगी बने। जो तन का सहयोग करते हैं उनका तन स्वस्थ रहता है, जो मन से सहयोग करते हैं उनको मन की शांति, सुख और सुंदर विचार प्राप्त होते हैं, जो धन से सहयोग करते हैं उनके धन में वृद्धि होती है, जो योग्यताओं से सहयोग करते हैं उनकी योग्यताएं बहुत श्रेष्ठ हो जाती हैं। तो ये हमारा भाग्य भी है और भाग्य बनाने का सुंदर अवसर भी है, सुंदर विधि भी है कि हम स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें। परिवार में रहते या संगठन में रहते हुए हमें कभी भी अंगुली दूसरों की ओर नहीं उठानी चाहिए। ये पहले बदलें तब हम बदलें। जब हम एक अंगुली दूसरों की ओर करते हैं तो तीन अंगुली हमारी ओर इशारा करती हैं कि तुम दूसरों को बदलना चाहते हो, पर पहले तीन गुना शक्ति से स्वयं को बदलो। हम तैयार करें स्वयं को बदलने के लिए। घर में यदि आप पति पत्नी हैं, बाप बच्चों का संबंध है, सास ससुर का संबंध है, आप सदा ही दूसरों को दोष देते हैं, ये व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, ये कभी नहीं बदलेगा, तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं कि ठीक है, वो कटु वचन बोलता है, मुझे उसके वचनों को माइंड नहीं करना है, मुझे उसके बोल को सहज भाव से लेना है, वो निंदा करता है, मुझे अपनी स्थिति निंदा स्तुति में एक रस बना लेनी है, अचल अडोल बना देनी है, तो दूसरों के द्वारा की गई ऐसी बातें आपको महान और मजबूत बनाने वाली बन जाएंगी। तो बाबा का भी बहुत सुंदर महावाक्य है, जो मनुष्य परिवर्तन करता है विजयमाला तो उसी के गले में पड़ती है। तो हमें यदि विजयी रतन बनना है, पूज्य बनना है, महान पद को प्राप्त करना है। विजयमाला का अर्थ ये नहीं कि हमारी माला स्मरण की जाएगी, लेकिन 108 रत्नों का अर्थ है कि 108 रत्न सतयुग में राज करेंगे। कभी वो विश्व महाराजन होंगे, कभी स्टेट के राजा रानी होंगे। तो ऐसा उच्च पद पाने के लिए हमें स्वयं को परिवर्तन अवश्य करना है। स्वयं को परिवर्तन करने की दृढ़ इच्छा हो और ये भी पता हो कि किस बात में हम स्वयं को बदलना चाहते हैं। ऐसे नहीं हम कहते तो रहें कि हमें खुद को बदलना है, लेकिन हमें ये पता ही ना हो कि किस बात में हमें स्वयं को बदलना है। तो बदलने की प्रक्रिया तेज करेंगे, हम बदलेंगे तो दूसरे भी बदलते जाएंगे। आप करके देख लें, कोई बहुत बोलता है, आप नो रिएक्शन, चुप रहना सीख लें, साथ साथ अपने स्वमान में भी रहें, उसके शब्दों पर ध्यान दें ही नहीं, और देखें आपके इस परिवर्तन से दूसरे व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मास्टर
मास्टर क्रिएटर हूँ। बाबा ने मुझे अपना साथी बनाया है इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में, और सारा दिन अपने को मस्तक के बीच मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ ऐसी तेजस्वी आत्मा देखेंगे, और मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। इसका अभ्यास बार बार करेंगे सारा दिन, बहुत अच्छी अनुभूति रहेगी। ओम शांति।